दिल्ली उच्च न्यायालय ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग के शिवसेना पार्टी के नाम और धनुष और तीर के प्रतीक को फ्रीज करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। हालांकि अदालत ने चुनाव आयोग को चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम के आवंटन से संबंधित कार्रवाई को जल्द से जल्द तय करने का निर्देश दिया। चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा था कि एकनाथ राव संभाजी शिंदे याचिकाकर्ता और उद्धव ठाकरे जो कि प्रतिवादी हैं, उनके नेतृत्व वाले दो समूहों में से किसी को भी पार्टी शिवसेना के नाम का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। दोनों समूहों में से किसी को भी शिवसेना के लिए आरक्षित प्रतीक धनुष और तीर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि दोनों समूह अंतरिम में अपनी इच्छा अनुसार नाम चुन सकते हैं, जिसमें उनकी मूल पार्टी शिवसेना से जुड़े नाम शामिल हैं। इसमें आगे कहा गया है, दोनों समूहों को ऐसे अलग अलग प्रतीक भी आवंटित किए जाएंगे जो वे मौजूदा उपचुनावों के प्रयोजनों के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त प्रतीकों की सूची में से चुन सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को दलील दी कि चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना पार्टी के नाम और धनुष और तीर के चिन्ह को प्रतिबंधित करने का आदेश अवैध है। ठाकरे के वकील ने कहा कि फैसले के कारण पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों में ठहराव आ गया है। आयोग ने अपने 8 अक्टूबर के अंतरिम आदेश में ठाकरे और शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुटों को अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 27 सितंबर को उद्धव समूह द्वारा शिंदे द्वारा शुरू की गई ECI के समक्ष कार्रवाई पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट।